नमस्कार फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मॉडर्न क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। तो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के बारे में काफी अच्छी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, तो आज हम सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो भैया, जनवरी के मंथ में बेबी डॉज कॉइन ने जो काफी अच्छी सी धूम मचाई थी, लेकिन फरवरी के मंथ में जो आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को नहीं मिला है। तो भैया, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बेबी डॉज कॉइन अब यहाँ से ग्रो नहीं कर पाएगा या फिर जो कि यहीं पर बेबी डॉज कॉइन की एंडिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि बेबी डॉज कॉइन जो कि जनवरी के अंदर अच्छा खासा ग्रो किया, लेकिन अभी फरवरी के अंदर कुछ खास बेबी डॉज कॉइन के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो अब हो सकता है कि मार्च के अंदर बेबी डॉज कॉइन जो कि और भी ज्यादा ग्रो करे, यानी कि बेबी डॉज कॉइन जो कि एक न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकता है मार्च के अंदर। तो भैया, ये है क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बेबी डॉज कॉइन जो कि कभी भी अपनी प्राइस राइज कर सकता है, कभी भी जो कि अपनी प्राइस डिप भी कर सकता है। अब ऐसे में मैं आपको बताता चलूंगा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कि तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म में ही अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, जैसे कि आज बे करके कल थोड़ी बहुत प्राइस राइज हुई, वहां पर सेल करके अपना प्रॉफिट बना के निकल गए। उसके बाद नंबर सेकंड पर वो लोग आते हैं जो कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकल के चले जाते हैं। और यहाँ पर थर्ड नंबर पर वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब भैया, यहाँ पर ये चीज भी है, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट प्रॉफिट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा सा प्रॉफिट होता है। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, उतना जो कि आपके प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे मेन चीज ये है कि पेशेंस, होल्डिंग के पेशेंस। जो लोग जितना ज्यादा होल्ड करेंगे, उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ लेना चाहिए, यहाँ पर कभी कॉइन की प्राइस राइज होगी, कभी जो कि डिक्रीज होगी। तो ऐसे में हमको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्विटर के ऊपर जो कि लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स भी होने वाले हैं। तो भैया, यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन की आर्मी जो कि लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम करंट होल्डर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 मिलियन 98,685 जो कि अभी करंट होल्डर्स हैं बेबी डॉज कॉइन के। अब भैया, यहाँ पर 13 लाख से भी ज्यादा जो कि बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स हैं, यानी कि बेबी डॉज कॉइन के पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी है। उसके अलावा यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के ऊपर काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने की संभावनाएं हैं। और कुछ जो कि किल्यू बेबी डॉज कॉइन जो कि अपने ट्विटर अकाउंट के भी ऊपर दे रहा है, यानी कि यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन जो कि आपको जल्द ही मेटावर्स के अंदर एंटर होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन की जो कि NFT भी आती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो कि बेबी डॉज कॉइन के काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन का जो मेन फंडा है वो है बाइनेंस लिस्टिंग का। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेबी डॉज कॉइन जो कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा। अब भैया, मैं आपको बताता चलूं कि बेबी डॉज कॉइन जो कि बाइनेंस के ऊपर कभी भी और किसी भी वक्त लिस्ट हो सकता है, यानी कि बेबी डॉज कॉइन को बाइनेंस जो कि किसी भी वक्त लिस्ट कर सकती है। यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी है। इसके अलावा यहाँ पर धीरे धीरे जो कि बेबी डॉज कॉइन अपने ऊपर जो कि प्रोजेक्ट लाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो कि थोड़ी थोड़ी बर्निंग भी होती हुई देखने को मिल रही है बेबी डॉज कॉइन की। और दिन ब दिन जो कि बेबी डॉज कॉइन ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से लगता है कि बेबी डॉज कॉइन जो कि बाइनेंस के ऊपर आपको जल्द ही लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप बेबी डॉज कॉइन को जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो आप जो कि बेबी डॉज कॉइन को बाइनेंस की लिस्टिंग तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इतना कंफर्म है कि बेबी डॉज कॉइन जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो आपको जो कि अच्छा खासा रिटर्न और प्रॉफिट दे सकता है। अब भैया, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि बाइनेंस जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एक्सचेंज है और साथ ही साथ जो कि सबसे बड़ी एक्सचेंज भी है। तो अगर उसके ऊपर कोई टोकन लिस्ट होता है, तो उस टोकन की प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। अगर आप बेबी डॉज कॉइन से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप बेबी डॉज कॉइन जो कि होल्ड करके रखें बाइनेंस की लिस्टिंग तक। उसके अलावा आपको पता होगा कि होल्ड इज द गोल्ड, देन यहाँ पर सबर का फल तो मीठा ही होता है। तो भैया, ये थी कुछ न्यू अपडेट्स बेबी डॉज कॉइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न क्रिप्टो की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ ना हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंच जाती है। उसके अलावा यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन को बाइनेंस के ऊपर लेकर कोई भी अपडेट निकल के आती है, तो हम आप तमाम दोस्तों को जरूर बताएंगे। तो ऐसी मजेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपके पास आती मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Keep watching me. Goodbye.